हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके एजुकेशन में। दोस्तों अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं 7:15 और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में राजस्थान बीएसटीसी की लाइव क्लास लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लाइव क्लास का डेली टाइम बता देता हूँ, उसके बाद में हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। आपके टोटली 50 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर शेयर करवाने वाला हूँ। देखिए मॉर्निंग को 7:15 को, दोपहर को 1:30 और शाम को फिक्स 7 आपकी क्लास होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर लेना। देखिए पहला सवाल है, राजपूताना की एकमात्र रियासत जिसमें शिक्षा को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित किया गया है, टोंक, डूंगरपुर, झालावाड़, शाहपुरा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी संस्था के बारे में पूछा गया है? राजपूताना। तो दोस्तों राजपूताना की एकमात्र ऐसी संस्था है वो डूंगरपुर था, जहाँ पर शिक्षा को पूर्ण रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया था, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना था कि वहाँ के लिए, उस राज्य के लिए शिक्षा है वो हानिकारक है। क्या दोस्तों शिक्षा है वहाँ के राज्य के लिए हानिकारक है? दूसरा सवाल ध्यान से देख लेना, राजस्थान से प्राप्त शिलालेख में कौन सा शिलालेख सबसे प्राचीन है? बडली का लेख, पीहवा का लेख, राजस्वी प्रशस्ति, गोशुंडी का लेख। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, एक बार आप हमें हमारे साथ भी कमेंट करते हुए चलिए, ताकि हमें भी पता चल सके आप लोगों को कितना नॉलेज है। तो एक बार आप भी कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके। तो कई बच्चों का राइट है कि सर बडली का लेख है वो सबसे प्राचीन शिलालेख है। देखिए आपको एक और क्वेश्चन मैं साथ ही साथ कवर करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आता है खेजड़ली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों खेजड़ली राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। अब यहाँ पर आप तीसरा सवाल देख सकते हो दोस्तों, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको मधुबनी लोक कला के बारे में बताना, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार और राजस्थान। तो यहाँ पर आपके कौन से राज्य से संबंधित है? बिल्कुल सभी बच्चों का राइट सवाल कि सर बिहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है लेकिन विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है। किसको होता है दुख दोस्तों? हमें दुख होता है, क्योंकि आप सभी अब हमारी जिम्मेदारी हो, आपका सिलेक्शन करवाना मेरी गारंटी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1951, 5 सितंबर 1948। चारों क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखने के बाद दोस्तों सभी के राइट जवाब आ रहे हैं कि सर 14 सितंबर 1949। क्या? 14 सितंबर 1949। तो लाइव क्लास के अंदर मज़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ऐड जरूर हो जाना। किस शहर को सिटी ऑफ प्लेस, सिटी ऑफ मालवा कहते हैं? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर बारा या फिर झालावाड़। तो यहाँ पर सिटी ऑफ बारा है वो झालावाड़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? झालावाड़ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी दो बड़े बड़े कारण हैं, वो आपको शाम की लाइव क्लास के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा। अगला सवाल अब ध्यान से देख लेना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। साजा के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आए थे? साजा के काल के अंदर पूछा गया दोस्तों, ये क्वेश्चन है वो विशेष रूप से पीटीटी के अंदर आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों? पीटीटी के एग्जाम के अंदर हर बार ये सवाल आता है, तो पीटीटी वाले इसे ध्यान से देख लेना। सर थॉमस रो, हवेनसांग, पीटर मुंडी, इत सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर साजा के काल का पूछा गया, तो दोस्तों साजा के काल में पीटर मुंडी बार बार आता था। क्या नाम है उसका? पीटर मुंडी। क्या नाम है? पीटर मुंडी। भूलना मत, किस कानून के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होती है? यानी भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके सारा कामकाज अंग्रेजी भाषा में होता है, आपको पता होगा। तो लेकिन वो कौन से न्यायालय के अधीन होता है, कौन से न्यायालय के अनुपालन होता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा वो बताता हूँ। उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1966, अनुच्छेद 145, संसद का विधि निर्माण 1962, अनुच्छेद 348। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके अनुच्छेद 348 के अनुसार भारत के संविधान का सभी कार्य अंग्रेजी में होगा।
अब एक सवाल और, बच्चे कमेंट कर रहे होंगे कि सर भारत के संविधान का सभी काम अंग्रेजी में करवाने की जरूरत कहाँ पर पड़ी। बिल्कुल सवाल दिमाग में आ रहा है, अगर हाँ तो मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है भारत के अंदर अनेक राज्य हैं। राज्य के अंदर भारत की विशेषता ये है कि यहाँ पर अनेक रूप की भाषाएं बोली जाती है। इनके अंदर कॉमन रूप से आपकी क्या बोली जाती है कि सर कॉमन रूप से यहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, यानी कि हर राज्य की भाषा को अंग्रेजी कॉमन रखी गई है। यहाँ पर आप देखोगे कि मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और भी अनेक प्रकार की बोली भाषा बोली जाती है। लेकिन इन सबको समझने के लिए, जैसे अगर सपोज करो मैं हिंदी वाला हूँ, कहीं गुजरात साइड में चला गया तो वहां पर मुझे कैसे समझ में आएगा, तो इसीलिए यहां पर अंग्रेजी भाषा को कॉमन भाषा किया गया है। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्तुति करने वाली समिति कौन सी है। देखिए दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत समिति का क्या मतलब हुआ, यानी कि आपकी जो पंचायत है उनका तीन क्षेत्रों के अंदर विभाजन होना ही कहलाता है त्रिस्तरीय पंचायत। तीन क्षेत्र के अंदर वर्णन क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण रहे, इसके पीछे कौन कौन सी स्थिति रही, वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले पंचायत का तीन भागों में टुकड़ा करना कई कारणों से जरूरी हो गया था, और ऐसा करने वाले थे बीआरडी मेहता समिति। देखिए बीआरडी मेहता समिति थी, उन्होंने इसका टुकड़े किए। अगर पंचायत का संपूर्ण कार्य किसी एक को दे दे, सपोज करो पंचायत का संपूर्ण कार्य सरपंच को दे दिया, तो सरपंच तानाशाही करेगा, क्या करेगा, तानाशाही करेगा। वो जो चाहेगा वो कानून ला सकता है, लागू कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए आप उस समय बीआरडी मेहता थे, उन्होंने इसके बारे में विचार किया और पंचायत को तीन भागों के अंदर विभाजन किया। जैसे भारत के कानून व्यवस्था का भी अलग अलग विभाजन है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, अगर इनका विभाजन नहीं होता तो जब चाहे तब कोई भी व्यक्ति कानून लाता, कानून लागू करता, कानून खत्म कर लेता। तो इसी सब को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर तीन भागों के अंदर डिवाइडेशन किया है। इष्टपीच नामक अस्थि शरीर के किस ग्रंथ में पाई जाती है। सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इष्टपीच ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है, कान, नाक, हाथ, पैर, मुंह। तो दोस्तों इष्टपीच ग्रंथि है वो कान के अंदर पाई जाती है। यह वही इष्टपीच ग्रंथि है जो आदमी को कान में सुनने के लिए मदद करती है। कौन सी ग्रंथि से व्यक्ति सुनता है, तो इसका जवाब होगा कि सर इष्टपीच ग्रंथि से व्यक्ति सुनता है। अगला दसवां सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1940, 9 अगस्त 1941, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1939। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 के अंदर महात्मा गांधी किसने प्रारंभ किया था, तो दोस्तों महात्मा गांधी ने। अब ये क्यों प्रारंभ किया था, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी का मानना था कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, अंग्रेजों को अब भारत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भारत के नागरिकों को भी अधिकार है, हक है कि वह स्वतंत्र रहे, वो किसी के गुलाम नहीं रहे। कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी नहीं करें, क्योंकि संपूर्ण मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। 59वें संशोधन में, 60वें संशोधन में, 61वें संशोधन में, 62वें संशोधन में। तो दोस्तों 61वें संशोधन के अंदर भारत के अंदर एक व्यवहार मतलब संशोधन किया गया है कि भारत के अंदर वोट देने की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। अगर कोई भी बालक बालिका 18 साल की है तो वो बालिक है, वो समझदार है। और भारत के अंदर एक दूसरा सवाल आता है कि शादी के लिए क्या उम्र है, भारत के अंदर शादी के लिए लड़के की उम्र होनी चाहिए 21 साल। कितनी होनी चाहिए, भारत में शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल है। ये दोनों एज का कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से एक विदेशी बैंक है जिसकी शाखा ये भारत में है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा,
पहले देखिए ऐसी कौन सी विदेशी बैंक है जिसकी शाखाएं भारत में है। तो यस बैंक तो सर ये अपनी भारत की है। HDFC बैंक सर ये तो अपने गुजरात की है। कहाँ की है दोस्त? HDFC बैंक गुजरात की है। सर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा लागू है। तो सर SBI तो ये अपनी इंडिया की है। सर DBI इसका ये है वो राजस्थान की है, भारत की है। तो सर कौन सी बैंक है? तो दोस्तों स्टैंडर्ड चॉइस बैंक। कौन सी है? स्टैंडर्ड चॉइस बैंक है, वो भारत की बैंक नहीं है, विदेश की बैंक है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसकी शाखा है वो भारत के अंदर स्थापित की गई है। कहाँ पे स्थापित की गई है दोस्तों? भारत के अंदर स्थापित की गई है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारत के किस स्थान से संबंधित है? देखिए मेरी बात ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। अगर आप लोग यहाँ पे ये अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो यहाँ पर विशेष रूप से गुणगान है वो किसका होता है कि सर पंजाब पंच नदी का संगम, पांच नदियाँ जहाँ पर मिलती है उसको कहते हैं सर पंजाब। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल सभी का जवाब सही है कि सर पंजाब होगा। कई विद्यार्थी लाइक में कंजूसी कर रहे हैं, तो लाइक में कोई भी कंजूसी मत करो यारो। क्या आपकी भी पढ़ाई में डाउट है? अगर हाँ तो पूछिए डाउटनेट के साथ। बस क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक कीजिए, क्रॉप कीजिए, डाउटनेट पर सेंड कर दीजिए। 2 सेकंड के अंदर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर चाहे क्वेश्चन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स CBSE बोर्ड UPBR हमारा शास्त्रार्थ MPIN अन्य किसी भी बोर्ड का हो, क्लास 6 to 12 ITI JEE मेंस एंड एडवांस तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी इंडिया के टॉप फैकल्टी टीचर के द्वारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाइव क्लास। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। 14वां सवाल थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। राजस्थान में रेल बेगन का कारखाना कहाँ स्थित है? यानी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा रेल है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन समझने वालों की कमी है। क्या कई बच्चे तो समझते हैं नहीं, फिर हमें कमेंट करते हैं कि सर आपने बताया नहीं। परीक्षा में सवाल देखते उसके बाद में ये पेपर है ना इतना इम्पोर्टेंट है, क्या बताऊँ? फिर आप परीक्षा में कहोगे सर आपने कभी बताया ही नहीं था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सर भरतपुर। क्या? भरतपुर, भरतपुर, ठीक है, आ रहा समझ में। 15वां सवाल ध्यान से देख लेना। कौन सी सभ्यता 3 युगों की संस्कृति का त्रिवेणी संगम है? तीन सभ्यताओं का संगम कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? ऑप्शन है आहड, वेराट, कालीबंगा, बांगोड़। देखो कालीबंगा सभ्यता है वो आपके हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, इसका मतलब होता है काली चूड़िया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बैराट। बाकी के क्वेश्चन है वो कल आज आपको क्लास का टाइम बता दिया है, बाकी के उसी क्लास के अंदर करवाएंगे। मॉर्निंग को 7:15, दोपहर को 1:30, शाम को 7:00 ये मेरी क्लासों का टाइम है। तो इस टाइम आप जरूर पधारना, आप सभी का फिर से स्वागत है।